साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सूबे के मुख्य राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए भीम आर्मी तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है। इस तीसरे मोर्चे के लिए भीम आर्मी दलित और मुस्लिम वोटों को साधने में लग गई है। विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री को लेकर दलित चिंतक विजय सिंह यादव जाटव ने 91 न्यूज 9 से खास बातचीत की। 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी की एंट्री चुनाव को दिलचस्प बना देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 35 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC रिजर्व है। इन सीटों पर भीम आर्मी अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला कर रही है। साथ ही तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटी भीम आर्मी प्रदेश में तकरीबन 50 लाख मुस्लिम वोट यानी 10.12% मुस्लिम वोटरों को साधने की तैयारी भी कर रही है। इस मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आप 90% आबादी बहुजन समाज की है, पूरी 90% आबादी बहुजन समाज की है। और लोकतंत्र जिसमें हम जी रहे, लोकतंत्र ये कहता है कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। लोकतंत्र ये कहता है कि बहुमत का शासन होगा। 90% वोट मध्य प्रदेश में आपकी है। मेरे रहबर साहब का श्रीराम कहते थे कि अगर यूपी के बाद कहीं सबसे ज्यादा बहुजन मूवमेंट के लिए उपजाऊ धरती है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के वो पल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश ईमानदार है, मध्य प्रदेश टिकाऊ है, मध्य प्रदेश में जोश है, मध्य प्रदेश में होश है। देखिए, हमारे जन दलितों का मध्य प्रदेश में बहुत बुरा हाल है और बुरे हाल में हमारे दोनों ही दल कांग्रेस और BJP कहने के लिए ये हैं कि कांग्रेस जो है दलितों का समर्थन है और BJP दलितों की विरोधी है। हमारे लिए दोनों एक होने के नाते हमने अभी वर्तमान में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को अपने समाज का, विशेषकर रविदास समाज की जो 1.5 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की और 1.5 करोड़ की आबादी आदिवासियों की और पिछड़ा वर्ग की, इन सभी ने मिलकर के हमने अभी भीम आर्मी को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में सहयोग प्रदान किया है। अभी 19 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद और हम एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन जो शिवपुरी में हुआ, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया, उस सम्मेलन में ये तय किया है कि पूरे प्रदेश के जिस प्रकार से दलितों को भटकना पड़ रहा है जगह जगह, और इसमें हम पूरी तौर पे 65 लाख मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। हम मुसलमान भाइयों से भी, अगर हमारे यहाँ गुरु रविदास हैं तो उनके यहाँ पे जो ना बाबा शेख फरीद हैं। विजय सिंह यादव कह रहे हैं कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव में 1.5 करोड़ दलित आदिवासी वोट और अन्य पिछड़ा वोटों को मिलाकर एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो इस समीकरण में मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यदि भीम आर्मी अपने इस ऑपरेशन में सफल हो गई तो ये तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन ला देगा। अब देखना होगा कि ये तीसरा मोर्चा बन पाता है या नहीं।